हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका और एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, तो मैं हूँ मुंबई एयरपोर्ट में, हम जा रहे हैं अहमदाबाद। तो मुंबई टू अहमदाबाद पूरी डिटेल जर्नी समझाऊंगा, कैसे जाना है, कैसे चेक इन करना है। देखिए सामने से फ़्लाइट आ रही है, लैंड करेगी फ़्लाइट, तो इसलिए हमारे फ़्लाइट को रुकाया हुआ है। देखिए कैसे लैंड कर रही है। तो फ्रेंड्स, प्रोसेस एकदम ईजी है। जो फर्स्ट टाइम जर्नी कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर एकदम गाइड करता हूँ मैं कैसे। ये देखिए फेडेक्स का प्लेन, जो मोस्टली ये कुरियर कार्गो बड़े बड़े सब सामान लेके आते हैं वो है ये। तो इसके जाने के बाद शायद से हमारा फ्लाइट टेक ऑफ करेगा, तो आपको टेक ऑफ पूरा दिखा दो। मुंबई से अहमदाबाद का पूरा देखिए, अभी दूसरा और एक फ्लाइट आ रहा है, इसलिए हमारे फ्लाइट को सिग्नल मिला शायद से। ये देखिए कैसे लैंड कर रहे हैं प्लेन, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा फ्लाइट निकल चुका है, टेक ऑफ करेगा अभी मुंबई से अहमदाबाद के लिए। तो आपको दिखा था ऊपर से मुंबई कितनी खूबसूरत दिखती है, कितनी सुंदर दिखती है मुंबई ऊपर से फ्लाइट में, देखने इतना अच्छा लगता है ना, बहुत बहुत अच्छा लगता है, एकदम सुकून। तो हमारी फ्लाइट निकल चुकी है, एकदम स्पीड में भाग रही है और थोड़े देर में टेक ऑफ करेगी यहाँ से अभी मुंबई से। और फ्लाइट हमारी टेक ऑफ हो चुकी है फ्रेंड्स, हम लोग अभी पूरा हवा में। तो आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ मैं। ये देखिए मुंबई ऊपर से कितनी खूबसूरत, ये मीठी नदी है कुर्ला की, मुंबई कुर्ला में। और मुंबई देखिए ऊपर से बड़ी बड़ी बिल्डिंग कितनी छोटी छोटी लग रही है यहाँ पर। और हम लोग फुल अभी हवा में है ऊपर, देखिए मुंबई पूरी, मुंबई जैसे ख़त्म होती है पूरा समुंदर लग जाता है, नज़ारा देखते ही बनता है ऊपर से, कितना खूबसूरत लग रहा है मुंबई ऊपर से, सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, पूरा प्रोसेस ये है कि जब भी आप टिकट बुक करोगे तो आपका एक फ़िज़िकल टिकट, उसका प्रिंटआउट निकाल लो, या मोबाइल में रहेगा आपके तो भी चलेगा, जो आपको मेल आता है वो लेके आप आ सकते हो एयरपोर्ट जैसे आओगे। और आपका आईडी कार्ड लेके आओ, आधार कार्ड या पासपोर्ट, ये चाहिए। पैन कार्ड नहीं वैलिड होता है, तो आधार कार्ड चाहिए आपका। तो जैसे आप आओगे तो आपका, जैसे एयरपोर्ट पर इंटर करो तो वहाँ पर आपका चेक होगा, आपका टिकट और आईडी, जो सीआरपीएफ के जवान रहेंगे वो चेक करेंगे, आपका आधार कार्ड चेक करेंगे या कोई भी आईडी चेक करेंगे, आपका टिकट चेक करेंगे, आपका दोनों में नाम सेम देखेंगे, आपका फेस देखेंगे आधार कार्ड में, उसके बाद ही आपको इंटर करने देंगे एयरपोर्ट पे। ये देखिए ऊपर समुंदर पूरा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो जैसे आप एयरपोर्ट पर इंटर करोगे फ्रेंड्स, तो जिस भी एयरलाइंस का आपका फ्लाइट है, तो वो एयरलाइन का वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर सब जगह काउंटर्स है। तो आप काउंटर्स पे जाइए, जो आप एक तो फिज़िकल जो प्रिंटआउट निकालेगा वो दिखाइए आप, या फिर अगर आपके मोबाइल में रहेगा तो वो उनको दिखाइए, और आधार कार्ड आपका या आईडी, जो भी आईडी रहेगा वो दिखा दीजिए वहाँ पर। और आपका लगेज रहेगा एक्स्ट्रा जो फ्लाइट के अंदर लेके जाएंगे, अगर छोटा बैग रहेगा तो ठीक है, अगर बड़ा बैग रहेगा तो उनको दे दीजिए चेक इन बैग जो रहेगा वो ले लेंगे। और एक्चुअली कैसे रहते हैं, हर एयरलाइंस का 15 kg 20 kg आपको फ्री रहता है, मतलब उतना वेट आप 15 kg, डोमेस्टिक में 15 kg रहता है, 15 kg आप लेके जा सकते हो, और 15 kg के ऊपर रहेगा तो फिर आपको उसके एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो आप बैग वहाँ पे दोगे, वो आप पूरा आपका आईडी देखेंगे, आपका टिकट देंगे, फिर आपको प्रॉपर टिकट देंगे फ़्लाइट का। प्रॉपर फ्लाइट का टिकट देने के बाद आपको क्या करना है, फिर सिक्योरिटी चेक के लिए जाना है। सिक्योरिटी चेक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सिक्योरिटी चेक करोगे फ्रेंड्स, जो भी आपका लैपटॉप हो गया, पावर बैंक हो गया, चार्जर हो गया, वो आपको आपके साथ ही रखना है, वो चेक इन बैगेज में मत देना है। तो आपकी जो बैग दोगे वहाँ पे, वो फ्लाइट में बोर्ड नहीं करेंगे, वो मुंबई जहाँ पे आप जहाँ से स्टार्ट करो जर्नी वही एयरपोर्ट पे रख देंगे, क्योंकि वो इसमें चेक इन बैगेज में अलाउड ही नहीं है, वो आपके साथ में आपको कैरी करना पड़ेगा। ठीक है,
तो जहाँ पे आप सिक्योरिटी चेक करने जाओगे तो बेल्ट उतार के रख देना, वॉच उतार के रख देना, मोबाइल पर्स जो भी पैसे अगर चिल्लर पैसे हैं वो भी सब निकाल के एक ट्रे में रख के स्कैनर मशीन के वहाँ पर रख देना और आप जाना। सिक्योरिटी चेक एकदम प्रॉपर आपका हो जाएगा। नाइफ सुई कोई भी ऐसा शार्प चीज़ लेके मत जाना है, तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, वो निकाल के लेंगे। खोबरा भी अलाउड नहीं है तो खोबरा भी मत लेके जाना। ऑयल भी ज़्यादा नहीं, पानी भी ज़्यादा मत लेके जाना। जैसे आपका सिक्योरिटी चेक होता है तो आपका पूरा क्लियर, अगर क्लियर हो गया पूरा तो फिर ठीक है, फिर आपको टिकट लेके जाना है। आपका एक गेट नंबर देंगे, आपको गेट नंबर रहते हैं 1 2 3 4 ऐसा, तो काउंटर पे आपको बता देंगे गेट नंबर कौन से गेट पे आपको जाना है। वहाँ से आपका फ़्लाइट मिलेगा, आपका जो भी एयरलाइन रहेगा वो उसका वहाँ पे गेट रहेगा, वहाँ से फिर आपको एंट्री मिलेगा फ़्लाइट में डायरेक्ट। बस एकदम इजी प्रोसेस है, घबराना मत, एकदम इजी है। जब आप आपके डेस्टिनेशन पे लैंड करोगे तो वहाँ पे आपको, अगर आपने अपने बैग दिया है चेक इन में, तो आपको एक बेल्ट नंबर बताएंगे, वो बेल्ट पे डायरेक्ट आपका सामान आ जाएगा। आपको वहाँ पे जाना है और अपना सामान आपको कलेक्ट करना है बस, और कुछ ही नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बातें करते करते मोस्टली गुजरात बॉर्डर में एंटर हो चुके हैं, महाराष्ट्र बॉर्डर निकल गए हैं। ये कोई एक नदी है गुजरात की, पता नहीं कौन सी है, तो भी मोस्टली गुजरात के ऊपर ही है। थोड़ी देर में हम लोग अहमदाबाद उतर जाएंगे। अहमदाबाद पूरा ग्रीन ऊपर से लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा एकदम ग्रीनरी है अहमदाबाद में, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है ऊपर से। देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर से जो दिख रही है ना वो है साबरमती रिवर। साबरमती रिवर बहुत बड़ी है और पूरी पूरे अहमदाबाद में पूरी फैली हुई है, और उसका कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा किया हुआ है ना, प्रॉपर उसको बनाया हुआ है। उसका पानी भी क्लीन है, उसका वेल मेंटेन रखते हैं उसको। मैं पहले भी आ चुका था तो मैंने देखा हुआ है, सच्ची में ऊपर से पूरे ऊपर से दिखती है कि प्रॉपर उसका ऐसा लाइन पूरा दिखता है बनाया हुआ, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है ऊपर से साबरमती रिवर।
देखिए फ्रेंड्स, पीछे भी हमको साबरमती रिवर दिख रही, वापस यहाँ पे भी साबरमती रिवर दिख रही है। मतलब पूरे अहमदाबाद को साबरमती रिवर ने घेरा हुआ है, पूरी अहमदाबाद में, पूरे मतलब ऑलमोस्ट गुजरात में फैली हुई साबरमती रिवर। अपने फ्लाइट का देखो शेडो भी दिख रहा है, नीचे देखो शेडो भी दिख रहा है पूरा फ्लाइट का, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अभी हम लोग थोड़ी देर में अहमदाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले हैं, तो एकदम एयरपोर्ट नज़दीक आ चुका है, तो हम लोग थोड़ी देर में लैंड करेंगे एयरपोर्ट पे। हम लोग अहमदाबाद एयरपोर्ट में इंटर हो चुके हैं, अभी हमारी फ़्लाइट लैंड करने वाली है, और ये हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है। जब फ़्लाइट लैंड होती है थोड़ा सा जर्क बैठता है, आपका सीट बेल्ट प्रॉपर बांधी रखिए, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं फ़्लाइट अटेंडेंट्स एयर होस्टेस उसको फॉलो कीजिए। जब फ़्लाइट में आप रहोगे तो आपका मोबाइल फ़्लाइट मोड पर रखिए, ये ज़रूरी ध्यान में रखना। अपना विंडो जो भी रहेगा वो खुला रखिए और सीट बेल्ट बांधी रखिए फ्रेंड्स ने, तो जब भी जर्क बैठता है या प्लेन इधर उधर होता है तो आपको गिरने के चांसेस होते हैं, तो सीट बेल्ट प्रॉपर बांधी रखिए, सीट बेल्ट खोलना मत। जब वो बताएंगे एयर होस्टेस की साइन सीट बेल्ट बांधने का बंद हो चुका है तभी खोल सकते हैं आप, लेकिन जब टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों टाइम सीट बेल्ट प्रॉपर बांधे रखना। आपको नहीं समझ रहा है तो जो आजू बाजू में रहेंगे उनको पूछ लेना, ठीक है, लेकिन सीट बेल्ट प्रॉपर बांधना। तो हम लोग अहमदाबाद पहुँच चुके फ्रेंड्स, पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। अहमदाबाद सीरीज़ के पूरे वीडियोस आने वाले हैं, जितने वीडियोस जो जो प्लेस विजिट करूँगा, जो भी वीडियोस बनाऊँगा सब वीडियोस अपलोड करूँगा, तो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।